भारत माता की। अब रे कड़ी धीरे धीरे जय करा था, कटिकन जोर से जय करे कि भारत में सरकार बनाना है, छत्तीसगढ़ में तो बना ली, तो कटिकन जय जोरकार जोरदार से जय मना। तब तो भारत माता की, भारत माता की। आज शंकरगढ़ करे पावन धरती में हमर सबजन कर मुखिया, हमर प्रदेश कर मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, और हमर बीच में हमारे जब किसान मन ठेरे बैठी तो किसान मन कर चिंता करने वाला कृषि मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी, सामरीगर विधायक भाभी उदेश्वरी पैंकरा जी, प्रतापपुर कर विधायक आदरणीय शकुंतला सिंह पोर्ते जी, भाजपा घर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल जी, जिला घर प्रभारी और पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय सिद्धनाथ पैंकरा जी, संजय सिंह जी, दीनानाथ यादव जी, अंबिकेश केसरी जी, रामकिशन सिंह जी, शिवनाथ यादव जी, आनंद जायसवाल जी, गौरी शंकर अग्रवाल जी, राम लखन पैंकरा जी, यहां उपस्थित मुन्नालाल चौधरी जी, धर्मपाल सवाल जी, धर्म जी, राजपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनि निकुंज जी, श्रीमती पार्वती सिंह जी, सुदेश पैंकरा जी, श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, राजेश अग्रवाल जी, प्रवीण अग्रवाल जी, दिनेश सिंह पैंकरा जी, मनोज बंसल जी, रोशनलाल बंसल जी, हमर कोरवा समाज कर चमरा राम जी, शशिकला भगत जी, आशीष केसरी जी, हमर किसान समाज से सुखनंदन किसान जी, अरविंद तिवारी जी, अशोक सोनी जी, हमर कुछ समाज कर मुखिया मन भी ये जगह उपस्थित है, हमर उरांव समाज से रामचंद्र निकुंज जी, पवन साय जी, संजय यादव जी, तारकेश्वर सिंह जी, और यहां उपस्थित पत्रकार बंधु मन, और इस जगह उपस्थित हमर सामरी विधानसभा कर देवतुल्य कार्यकर्ता मन। आज विधानसभा कर बाद लोकसभा कर चुनाव आई गलग, विधानसभा चुनाव में हमर देश कर मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए रहे दतमा में, ओघरी महतारी बंधन योजना और किसान मन के 2 साल के बोनस और धान खरीदी जे होलक होकर एक मुश्त राशि देख कर बात, और जो हमर गरीब परिवार से हैं जे मनकर प्रधानमंत्री आवास बनना रहे जे नहीं बनत रहे, वो सब चीज के बने कर गारंटी दे रहे, और जैसे ही सरकार बनलक ओकर बाद में गारंटी पूरा होलक। आदरणीय हमर मुख्यमंत्री जी पहुना जो ये निवासी रहे पहले ओमे रहत रहे, ओमन कर मुख्यमंत्री निवास बन जाए रहे, लेकिन ओमन कहले कि हमर जो
भाई मन है जिमन कर प्रधानमंत्री आवास बनना है, ओमे जब तक मैं पैसा नहीं डालू तब तक मैं मोर मुख्यमंत्री निवास में नहीं जाऊ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमर प्रधानमंत्री आवास जीवन कर नी बन भेंट रहे, ओकर ले पैसा डालना है, ओकर बाद में अपन मुख्यमंत्री निवास में गेना है। जो जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं वो गारंटी के पूरा कर लें। अभी अभी लोकसभा आई है, ये लोकसभा में हमके देश में एक ऐसे मुखिया चुनना ही जे हमारे देश कर भी विकास करे और जे देश की में हमें रह थी वहां कर संस्कृति और सभ्यता के भी सुरक्षित रखे, ऐसे व्यक्ति के हमके पुनः प्रधानमंत्री कर कुर्सी में बैठाना ही। मैं सब जन से ही आग्रह करूं कि आदरणीय मोदी जी जिस तरह से देश कर विकास के लिए, हमर गरीब जनता के लिए, किसान मन के लिए, हमर माता बहन मन के लिए जैसा काम करत हैं, एक बात भी जब अंबिकापुर आई रहे तो तोहरे मन वहां जाई रहा तो एगो बात जरूर सुन होगा, कहले तो बहुत बात के कई हैं, लेकिन एगो बात कहले कि अभी तक जो 10 साल का जो कार्यकाल रहे वो तो ट्रेलर है के आगे अभी पूरा पिक्चर बाकी ही, ये शब्द कर उपयोग कर रहे हैं। और अभी अपन 10 साल कर कार्यकाल में जे काम कह रहे हैं वो काम हमर और तोहर से छिपल निके। आज टीवी कर माध्यम से हमें हर समाचार के देखा थी, मोबाइल कर माध्यम से भी हमके समाचार मिल जाते। तोहरे मन के याद हुई जब कश्मीर में 370 धारा हटाए कर बात जब चल रख तो ऐसे लगत रहे कि 370 धारा हटी तो पता नहीं कश्मीर में का स्थिति बनी, लेकिन माननीय मोदी जी कर काम करे कर तरीका जिस तरह से कोई भी काम की योजनाबद्ध ढंग से करें, 370 हटलक, अगर योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं हुई रहतक तो पता नहीं कितना भारी तहलका मचतक, लेकिन 370 धारा भी हट गलक और कखो पता भी नहीं चललक इतना बड़ा काम होलक। और मोदी जी कर जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ हमर सनातन संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि हमर भारत में रहने वाला जो भी हैं, जो भी समाज कर रहने वाला हैं, सबकर हित में काम करत हैं। तोहरे मन के याद दिलाए ले मैं ये बात के बतात हूं, हमर मुस्लिम समाज में 3 तलाक कर जे मामला रहे ओकर कारण से मुस्लिम महिला मन कितना परेशान रहे, मोदी जी ओके भी खत्म कर लें, जेकर से आज मुस्लिम समाज के महिला मन भी मोदी जी के आशीर्वाद देते हैं। ओकर साथ साथ अगर धार्मिक क्षेत्र में देखब तो 500 साल तक भगवान राम अपन अयोध्या में ही एगो गुमटी में रहत रहे, वहें पूजा पाठ होत रहे। 500 साल के बाद में मोदी जी भगवान कर विशाल मंदिर बना लें और भगवान राम लला के वहां विराजमान भी कर लें, और आज हमर भारत कर जितना भी सनातन के मानने वाला मन है सब कर मन के में एगो अलग उत्साह, अपन संस्कृति के बांचलक कर लिए अलग उत्साह और उमंग ही। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी के भी कई जगह जाना है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूं, अभी 7 मई के वोटिंग होना ही, अभी जो चुनाव है ये कोई सामान्य चुनाव ना लगे, ये चुनाव में
हमें भारतीय जनता पार्टी के वोट देकर जिताब तो हमर भारत कर दशा और दिशा और हमर भी दशा दिशा बदलने वाला है। और ऐसा प्रधानमंत्री जे सब के लिए के चलने वाला है, ऐसे प्रधानमंत्री हमके ने मिली तो हमके सब जन के मिल करके 7 मई के कमल फूल छाप में बटन दबाई करके प्रत्याशी कर रूप में अभी मैं हूं, लेकिन मुके यहां से जीताबा मोदी जी कर हाथ मजबूत हुई और सब जन मिल करके मोदी जी के तीसरा बार प्रधानमंत्री कर कुर्सी में बैठाब, ये मोर निवेदन है। और एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं वो पूरा होलक कि नहीं होलक, कड़ी हाथ खड़ा करके बतावा। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं महतारी बंधन योजना और धान कर बोनस, धान कर एकमुश्त अंतर राशि, वो तीनों गारंटी पूरा होलक कि नहीं होलक, सब जन नहीं हाथ खड़ा करा था, गारंटी पूरा होलक नहीं। तो अब जनता कर तरफ से हमके भी गारंटी देना है मोदी जी के, लेकिन हमें कहा दे सके हमके ये गारंटी देना है कि मोदी जी हमार दुख सुख कर साथी, तय ये भी एगो आज एक टी शर्ट मन में भी लिख के आवा थे, मैं हूं मोदी का परिवार, तय हम के अपन परिवार बना ले, अपन परिवार जैसा हमार दुख सुख के देखा थे, तो तोर गारंटी के तय पूरा कर ले। अब जनता हमें मन अपन गारंटी के पूरा करब, हमें तीसरा बार तो के प्रधानमंत्री कर कुर्सी में बैठब, ये गारंटी हमके देना ही कि नहीं, तो समर्थन नहीं करा था है? तीसरा बार प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठाना ही, तो ये हमके 7 मई के जेके भी वोट देकर अधिकार ही वो सब जन के जाई करके वोट देना ही। और चूंकि ये जगह हमर प्रदेश कर मुखिया विष्णु देव साय जी हैं और कृषि मंत्री राम विचार नेताम जी भी हैं, और ओकर बाद में भी जय जय श्री राम कर नारा नहीं लागे, हल्कड़ी का आधा आधा तो अधूरा लागे, तो जय श्री राम कर नारा लगाए ले तैयार हा, दोनों मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ उठाई के जय जयकार करना है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सब जन के प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चिंतामणि।